जागे बलि कसो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कही हाँ सोई संवाद बखानी, सुनाओ सकल सजन सुख मानी। याज्ञवल्क जी जो कथा सुहावनी भरद्वाज जी को सुनाई, वही मैं आपको सुनाता हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझऊ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम की कथा न कहने की सामर्थ्य मेरी वाणी में है। अच्छा, राम कथा क्या देती है? बुध विश्राम सकल रन सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा सारे कलियुग के जितने पाप हैं, सारे पाप संताप को मिटा देने वाली ये कथा है। राम जी की कथा इतनी अनमोल है, राम जी की कथा जो कहे जो सुने दोनों पवित्र हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने ये कथा कब लिखी? गोस्वामी जी तारीख बता रहे हैं, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। नौमी तिथि थी भौमवार और मधुमास, चैत्र का महीना। 1631 में गोस्वामी जी ने इस कथा का आरंभ किया, कथा को शुरू किया और रामचरितमानस लिखकर। रामचरितमानस को लिखा किसने बताओ? रामचरितमानस किसने लिखी? फिर से बोलो, रामचरितमानस किसने लिखी? रचि महेश निज मानस रखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकाशन करवाया है, छपवाया है। रामचरितमानस के असली जो रचयिता हैं भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने अपनी कृपा गोस्वामी जी को प्रदान की और गोस्वामी जी ने उसे प्रस्तुत किया समाज के लिए, हमारे और आपके लिए। रचि महेश निज मानस रखा, पाई सुसमय सेवा सन भाषा। जब समय अनुकूल आया, शंकर जी ने गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट कर दिया। अब चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज से इस कथा की शुरुआत है। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते थे और प्रयागराज में बहुत सारे साधु संत आते थे, स्नान करते थे। और जब प्रयागराज में एक बार भरद्वाज जी आए और स्नान करके माघ का जब भरद्वाज जी जाने लगे, तो भरद्वाज जी के चरण पकड़ के, भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ के और चरणों में बिठाया, चरणों को पकड़ के, श्री याज्ञवल्क जी के चरणों को पकड़ के कहा। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु आप हमें कथा सुनाइए और मेरा कल्याण कीजिए। क्या कथा सुनना चाहते हो? भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ते हैं। कथा कब मिलती है? जब चरणों को पकड़ा जाए। जब तक अपने से बड़े संतों को चरण पकड़ के नहीं कहोगे कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तब तक संत मार्गदर्शन नहीं करते। तो आज श्री भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, एक राम अवधेश कुमारा, दिन कर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहु अपारा, भय रोष रन रावण मारा। भरद्वाज जी ने पूछा कि प्रभु ये राम कौन है? बताओ राम कौन है? एक राम दशरथ जी के बेटा, एक राम वो है जो जंगल जंगल सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। कौन राम है ये? यदि राम सर्वशक्तिमान भगवान है तो पत्नी के पीछे रो रहे हैं क्या? उन्हें पता नहीं कि रावण ले गया?
प्रभु ये संदेह है, जरा बताओ कि ये राम कौन है, आप किनकी पूजा करते हैं? अच्छा बताओ राम कितने हैं, बताओ राम कितने हैं, बताओ राम कितने हैं? जिन राम की कथा सुनी और कही जाती है वो राम कितने हैं? जोर से। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आप कितने राम को जानते हैं? हमने कहा हम तो एक ही राम को जानते हैं, बलराम जी को भी, परशुराम जी को, परशुराम जी भी, बलराम जी भी और राम जी, ये तीन राम हैं। इनमें जिन राम की बात कही जाती है वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात है। अब राम, उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा, आप किस राम की पूजा करते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा, बताओ इन चार रामों में आप किस राम की पूजा करते हैं? एक सज्जन ने मेरे से ऐसा टेढ़ा सवाल पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हारा प्रश्न गलत है, पहले तो तुम्हारा प्रश्न ठीक करते हैं। बोले कैसे? हमने कहा वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा और उसी राम का सब जग सारा, वही एक है, कोई दो और तीन राम वही एक है, दो और तीन नहीं। जो राम है वह दशरथ पुत्र है, वही कौशल्यानंदन है, वही सीता माँ को खोजने निकले हैं और वही रावण को मारने वाले हैं, वही हैं।